हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती का बेटा पप्पू कहने को तो इंजीनियर था, लेकिन उसे इंजीनियरिंग में कोई खास खुशी ना मिलने पर वो गोलगप्पे का छोटा सा स्टॉल लगाकर गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसके स्टॉल पर डॉली और गायो नाम की दो लड़कियां आती हैं और कहती हैं, डॉली यहाँ के गोलगप्पे खाकर देख, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देखने से ही, चल गोलगप्पे खाते हैं। बट यार, गोलगप्पे कोई खाने की चीज है क्या? क्या पता ये ठीक से बने हो या ना बने हो। अरे पागल, ठीक से बने होंगे, तू चिंता मत कर, भैया आपने ठीक से तो बनाए हैं। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से ही बनाता हूँ, वो भी मिनरल वाटर से। सच में भैया, तो मेरे लिए एक गोलगप्पे की प्लेट लगा दो। डॉली अब तो विश्वास हो गया ना, अब तो खा ले। यार तुझे पता है ना, मैंने आज तक ये सब कभी नहीं खाया, और बीमार हुई तो। पागल, जो पहले ट्राई नहीं किया वो अब कर, मैं तुझे गारंटी देती हूँ, यू लव दिस गोलगप्पास एंड ट्रस्ट मी, तू बीमार नहीं होगी, मेरे कहने से खा कर देख। प्लीज मैम, जस्ट ट्राई इट, गिव मी वन चांस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। वाओ, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो ये गोलगप्पे क्यों बेच रहे हो? इंजीनियरिंग मैंने ऐसे ही थोड़ी की है। क्या भैया, आपने इंजीनियरिंग की है तो ये क्यों? मीन्स आपको इसमें मिलता ही क्या है, इससे ज्यादा पैसे तो आप इंजीनियरिंग में कमा लेते। वो लंबी कहानी है, अगर आपको जाननी हो तो कभी किसी और दिन आना, फुर्सत से बताऊंगा। खैर, आप मेरे हाथ के गोलगप्पे ट्राई तो कीजिए। ओके जी, आप दे दीजिए मुझे भी एक प्लेट। पप्पू डॉली की बात सुनकर दोनों को एक एक प्लेट गोलगप्पे की देता है, जिसे खाने के बाद गायू बोलती है, यार वाह वाह, कितना मस्त टेस्ट है, कितने महीनों बाद मैंने गोलगप्पे को खाया है, ऐसा लग रहा है कि अमृत मिल गया हो। अच्छा तो बहुत है, लेकिन मुझे थोड़ा कम मीठा दो, ये ज्यादा मीठा हो गया। ओके, मैं अभी तीखा बना कर देता हूँ। भैया मुझे तो और तीखा, हरी चटनी डालकर गोलगप्पे दो। ये लीजिए आप दोनों के गोलगप्पे। वाह, मजा आ गया, सच में आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हो, मुझे तो मोमोज से ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। अब से गायू, मैं भी गोलगप्पे की फैन हूँ, लेकिन ना मैं आपकी दुकान के ही गोलगप्पे खाऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? लगता है आपने मेरी स्टॉल का नाम नहीं पढ़ा, वो देखिए लिखा हुआ है पप्पू के गोलगप्पे, ये लीजिए आप दोनों। बहुत अच्छा है, गोलगप्पे के साथ नाम भी, पप्पू के गोलगप्पे। अच्छा पप्पू जी, वैसे आप कब से ये गोलगप्पे का काम कर रहे हैं? बस 3 महीने हुए हैं। वाओ, 3 महीने में ही शेफ जैसे, आप बिल्कुल परफेक्ट गोलगप्पे बेच रहे हो, वो भी इस अमेजिंग स्ट्रेटजी के साथ। वाओ, थैंक यू। बहुत मेज लग रही है, कुछ है क्या आप पर पानी वगैरह? एक मिनट पप्पू, ऐसा बोलकर गोलगप्पे के पापड़ी में लाल चटनी लगा कर देता है। अच्छा पप्पू जी, चटपट ऐसे पापड़ी में गोलगप्पे का डाल कर गायू को देता है। बस 3 महीने, अब खाइए, आपको मीठी पापड़ी खाकर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का नहीं? और मिर्ची तो नहीं लगेगी ना? सच में इसे तो मिर्ची नहीं लगी, इनफैक्ट मुझे तो अब पानी भी नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है। आपको तो सारी ट्रिक पता है कि कैसे लड़कियों का गोलगप्पे का टेस्ट भी खराब ना हो और पानी की भी जरूरत ना पड़े। यही तो मुझे अच्छा लगता है, सबको उनकी पसंद के गोलगप्पे खिलाकर उनके टेस्ट का ख्याल रखना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओ थैंक यू पप्पू जी, आपके गोलगप्पे वाकई में बहुत अच्छे थे। डॉली जब पप्पू को थैंक्स बोलती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, उसके ख्यालों में खोसा जाता है। तभी डॉली उसे कुछ कहती है लेकिन वो सुन नहीं पाता, जिसके बाद वो उसके आगे चुटकी बजाकर बोलती है, अरे पप्पू जी आप कहाँ खो गए, थैंक यू फॉर दी टेस्टी गोलगप्पास, ये लीजिए आपके पैसे। जी जी, अरे नहीं इसकी क्या जरूरत है, आपके लिए फ्री है। नहीं नहीं, आपने इतने अच्छे से खिलाया, उसके लिए ये जरूरी है, मैं किसी दिन खुद से ही आपसे फ्री में गोलगप्पे मांग लूंगी, डोंट वरी। ये बोलकर वो दोनों चली जाती है, और उसके जाते ही पप्पू की स्टॉल पर काफी लड़कियां गोलगप्पे खाने आती है, और पप्पू एक के बाद एक सबको फटाफट गोलगप्पे देता है, जिसके बाद पप्पू की काफी बिक्री होती है और सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही रोज आते जाते डॉली और पप्पू एक दूसरे को दूर से ही देखकर हंसने लगते, और कुछ दिनों बाद डॉली खुद गायू को लेकर गोलगप्पे खाने आती है और वो शर्माकर गोलगप्पे देता, तो फिर डॉली शर्माते हुए गप्पा गप गोलगप्पे खाती,
होता भी डॉली बोलती है। पप्पू जी, आपके गोलगप्पों की मैं बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। आई लव इट। वाह भैया, आज का पानी तो उस दिन वाले से भी ज्यादा टेस्टी है। और लीजिए ना आप भी। और आप भी, एक्चुअली ये हींग का पानी है। आप मुझे और टिप्स दीजिए ना कि गर्ल्स को किस किस फ्लेवर का गोलगप्पे का पानी पसंद है। गर्ल्स को तीखा, मीठा, चटपटा, पुदीने वाला, जीरे वाला गोलगप्पा और दही वाला, और नुटेला शॉर्ट्स गोलगप्पे, कच्ची कैरी, ये सभी तो सबसे ज्यादा पसंद है। और वो काला खट्टा भी, ये सारे फ्लेवर्स बहुत पसंद है गर्ल्स को। सो आप बनाएंगे इतनी तरह का पानी? आप खाना चाहती हैं तो जरूर बनाऊंगा। अभी तो एक ही तरह का फ्लेवर था, बट आप दोनों से इतने न्यू आइडियाज मिले हैं तो मैं करूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, आप दोनों अपना नाम बता सकती हैं? ऑफ कोर्स, माय नेम इज डॉली और ये मेरी बेस्टी गायो। आप दोनों की तरह आपके नाम भी क्यूट हैं। थैंक यू जी। कुछ दिनों में पप्पू अलग अलग तरह के गोलगप्पे बनाता है और अपनी माँ को गोलगप्पे का पानी टेस्ट करवाता है, जिसके बाद मालती बोलती है, अरे पप्पू बेटा, ये सब क्या है? चल जीरा पुदीना कच्ची कैरी का एक बार को, अच्छा है, बहुत स्वाद है इसमें। लेकिन ये चॉकलेट और गोलगप्पे में आइसक्रीम, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला गोलगप्पा कोई नहीं खाएगा। डॉली जी तो कह रही थी ये सबको पसंद आएगा, माँ को अच्छा नहीं लगा तो रहने दो क्या ये? नहीं, एक बार उन्हें भी ट्राई करा देता हूँ, क्या पता पसंद आ जाए। आज दुकान पर सारे फ्लेवर लेकर जाऊंगा। माँ आप फिक्र मत करो, सबको पसंद आएगा और लड़कियाँ शौक से खाती हैं। अब तू देख ले मैं क्या बोलूँ। पप्पू अपने सारे बने हुए फ्लेवर्स लेकर अपनी स्टॉल पर जाता है, जहाँ डॉली फिर से उसके पास आती है और पप्पू बोलता है, हेलो पप्पू जी, कैसे हो आप? हाय डॉली जी, अरे आज आपके साथ गायो जी नहीं आई? जी नहीं, उसको आज असाइनमेंट बनाना था ना, इसलिए नहीं आई। अच्छा, आपने कहा था कि आप न्यू फ्लेवर ट्राई करेंगे, तो बनाया नहीं आपने? अरे डॉली जी, आज लेकर आया हूँ, बताइए कौन सा खाएंगी? आपने जो बोला था वो सारा बनाया है मैंने। मुझे काला खट्टा और कच्ची कैरी का चाहिए। ये लीजिए आपका काला खट्टा, इसे खा लीजिए, फिर दूसरा गोलगप्पा दूंगा। ओ वाओ पप्पू जी, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आपको मेरी तरफ से दही वाला गोलगप्पा। अरे वाह, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक एक करके पप्पू डॉली को सारे फ्लेवर्स ट्राई करवाता है और लास्ट में चॉकलेट शॉट वाला गोलगप्पा देता है, जिसे खाकर डॉली बोलती है, पप्पू जी वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी चॉकलेट फ्लेवर का गोलगप्पा भी खा सकती हूँ। और इसके अंदर की जो वेनिला आइसक्रीम घुल गई है ना गोलगप्पे के टूटने के बाद, मजा आ गया। अब तो मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि लड़कियाँ नहीं बल्कि हर एज के लोग आपके पास ये गोलगप्पे खाने आएंगे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए ये खिलाना। सच में आपको इतना पसंद आया? अरे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, सिर्फ गोलगप्पे नहीं गोलगप्पे वाला भी पसंद आया मुझे। कह दूं क्या आज से? कब से तो इसलिए ताड़ने आती थी इसे, वैसे भी आज गायो नहीं है। हाँ, यही सही मौका है। वो पप्पू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए ना। वो मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सो मच। सच? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू टू डॉली। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल गोलगप्पा। इस तरह दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खुद बनाकर गोलगप्पे खिलाते हैं और उस दिन के बाद से पप्पू की स्टॉल पर नए नए फ्लेवर को चखने के लिए काफी तादाद में लोग गोलगप्पे खाने आते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर उम्र के लोग उसकी दुकान पर आते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं और कुछ वक्त बाद दोनों की शादी हो जाती है, जहां डॉली की काफी सारी फ्रेंड्स आती हैं और वो उसे और पप्पू को देखकर बोलती है, क्या यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने गोलगप्पे वाले को अपना पति बनाया है। हाँ यार, तूने गोलगप्पे वाले से शादी क्यों की? अरे यार, अरे जब कर ही लिए तो जीजू गोलगप्पे खिलाओ ना। ये बोलकर सारी लड़कियां कटोरी आगे करके उससे गोलगप्पे खाने की डिमांड करती है, जिसके बाद पप्पू को अपनी ही शादी में अपनी सालियों को गोलगप्पे वाला बनकर गोलगप्पे खिलाने पड़ते हैं। तभी हंसते हुए डॉली बोलती है, खाओ खाओ, सब अपने पप्पू जीजू के हाथ के गोलगप्पे खाओ। मोना एक बहुत ही सेंसिबल और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी, साथ ही वो घर का काम करने में बहुत ही माहिर थी। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट गया था
जिस वजह से वो हमेशा एक हाथ से ही काम किया करती थी। परिवार में उसकी मम्मी रेखा और पापा प्रेम रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कॉलेज से वापस घर आ रही होती है कि तभी एक प्रशांत नाम का लड़का उसको पीछे से आवाज देता है, जिसे मोना मन ही मन प्यार किया करती थी। हे मोना, रुकना जरा। हाँ प्रशांत, बोलो। वो यार, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ, क्या काम है बताओ। वो मुझे ना फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना था, तो क्या तुम मेरा असाइनमेंट कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बना दूंगी तुम्हारा असाइनमेंट। ये लो और कल लेके आ जाना। ओके बाय। ऐसे ही अगले दिन कॉलेज में मोना उसका असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देती है। प्रशांत भी आए दिन मोना से अपना काम करवाता और खुद मटर गश्ती करता रहता। ऐसे ही एक दिन मोना हिम्मत करके प्रशांत के पास जाती है। प्रशांत अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तभी मोना उससे बोलती है, प्रशांत मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो प्रशांत, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। पागल वागल हो क्या? मतलब मैंने तुमसे दो चार असाइनमेंट क्या बनवा लिए? तुमने सोचा मैं तुम्हारे बाप का माल हूँ जो तुम जैसी अपाहिज लड़की से शादी कर लेगा? ये सुनकर मोना का दिल टूट जाता है और वो रोते रोते अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर मोना प्रशांत की कही बातों को भूल ही नहीं पाती। साथ ही मोना के एक हाथ की वजह से कहीं उसके रिश्ते की बात नहीं बन पा रही थी। उसके माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता और ज्यादा सताने लगी थी, जिसके चलते वो मोना का wedding.com पर प्रोफाइल बना देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद wedding.com से युवराज नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के का मोना के पास फोन आता है, जिसकी पहली बीवी उसे डाइवोर्स दे चुकी थी। हेलो। हेलो मोना जी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद आई हो। थैंक यू, मेरे पापा ने मुझसे बिना पूछे ही मेरा प्रोफाइल अपलोड कर दिया था। कोई बात नहीं, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मिलना चाहता था। देखिए मिस्टर यूवी, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी। मोना जी, आप मुझे एक मौका तो दे सकती हो ना, सिर्फ एक, एज अ फ्रेंड ही सही, बट प्लीज। ओके, बट ओनली फ्रेंड्स। हाँ थैंक्स। बाय द वे, माय नेम इज युवराज, बट प्यार से मुझे सब यूवी बोलते हैं। ओ, वैसे आप क्या करते हैं? जी मेरा खुद का बिजनेस है। कुछ ही दिनों बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में सब बता देते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। साथ ही युवराज को मोना के एक हाथ ना होने की वजह से भी कोई परेशानी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं, लेकिन युवी की माँ विमला इस रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी नहीं देती। युवराज अपनी माँ के खिलाफ जाकर मोना से कोर्ट मैरिज करता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है। मोना को अपनी बहू के रूप में देखकर विमला का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। आए हाय, अरे नास पीटे, बाकी की लड़कियां मर गई थी क्या, जो इस टुंडी और एक हाथ वाली से ब्याह कर लाया। माँ, मैं मोना से बहुत प्यार करता हूँ और वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। आपको कोई हक नहीं है मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहने का, और आपकी भलाई इसी में है, आप मोना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। अरे मैं और इस एक हाथ वाली को, मर जाऊंगी लेकिन इसको कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप, शुभ शुभ बोलिए ना। अरे नास पीटी, जब तेरी जैसी अशुभ आ गई है तो शुभ क्या होगा, आते ही घर में मेरे और मेरे बेटे के बीच फूट डलवा दी। बस माँ, चुप हो जाइए अब। मोना तुम आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मोना घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल लेती है। वो अपने एक हाथ से घर का सारा काम किया करती थी। विमला उसकी किसी भी काम में
कोई मदद नहीं करती थी। वो हमेशा ही मोना के किए काम में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह विमला अपने कमरे से बाहर आ रही होती है कि अचानक से विमला के सामने मोना आ जाती है, जिसे देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है। आए हाय, अरे सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा ही देखना था क्या मुझे? माँ जी क्या कह रही हैं आप, मैं आपका दिन क्यों खराब करूंगी? मैं तो वैसे ही यहाँ से निकल रही थी और आप अचानक से मेरे सामने आ गई, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ सब जानती हूँ। अरे तेरी जैसी बहू होने से अच्छा था कि मेरा बेटा अकेला रहता, सारे मोहल्ले में मजाक बना दिया इसने हमारा। माँ जी आप हमेशा ही ऐसा क्यों कहती है, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं ऐसी हूँ तो? चल हट मेरे आगे से, अपना ये रोना धोना युवराज को ही दिखाइयो, मेरे आगे नहीं चलेगा ये सब। वक्त बीतता जाता है और विमला के ताने दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। विमला अपनी बहू के गुणों से तो बहुत खुश थी, पर जब भी वो उसका कटा हुआ हाथ देखती उसका गुस्सा फिर से रफ्तार पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन विमला सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर मोना आती है और अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो अपनी कार निकालती है और अपनी सास को एक हाथ से ड्राइविंग करके हॉस्पिटल ले जाती है और युवी को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। तभी युवी वार्ड में डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर मेरी माँ कैसी है? तो युवराज अब वो ठीक है, अच्छा हुआ जो आपकी वाइफ टाइम पर आपकी मदर को एक हाथ से ड्राइविंग करके यहाँ ले आई, वरना उनका ब्लड बहने से उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसे ही विमला डॉक्टर और युवराज की सारी बातें सुन लेती है और तब उसे बहुत पछतावा होता है और युवराज से वो कहती है कि मोना को बुलाए। तभी मोना जब वहाँ आती है तो बोलती है, युवी माँ ठीक तो है ना? बहू मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना धिक्कारा, तेरे गुणों को कभी नहीं समझ पाई, मुझे तुझसे अच्छी बहू कहीं नहीं मिल सकती बेटा। अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने जो किया ये तो मेरा फर्ज है, आपने मुझे दिल से अपना लिया, मुझे अपनी बहू कह दिया, इससे बड़ा सुकून मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इस तरह विमला को समझ आ जाता है कि कभी भी किसी की कमी से नहीं बल्कि उस इंसान की खूबी से उसे पहचानना चाहिए। अब वो मोना को पूरा मान सम्मान देती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। साथ ही दोनों सास बहू मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालती हैं, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये एक हाथ वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ मोना की तरह ही कोई हादसा हुआ हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।